इंडो चाइना स्टैंड ऑफ रहा, इंडो चाइना की जो कंफ्लिक्ट रही उसमें अपनी देना अपनी सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम को हमने देखा। और मेरा यह भरोसा पक्का हुआ, मेरा भरोसा पक्का हुआ, दुनिया की कितनी भी बड़ी क्यों न ताकत हो, दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना जिसे भारतीय सेना के रूप में जाना जाता है एक साथ दो दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से लगातार लड़ रही है। दुनिया में मौजूद लगभग सभी देशों के एक ही दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ भारत के दो दो दुश्मन देश हैं जो हमेशा भारत पर जहर उगलने की तैयारी करते रहते हैं। भारतीय सुरक्षा बल को भारतीय रक्षा यंत्र की रक्षा के लिए लगाई गई नुकीली दार जंजीर कहा जाता है। इन्हें LAC से लेकर LOC तक वो अभेद दीवार भी कहा जाता है जिसकी न तो गहराई नापी जा सकती है और न ही लंबाई का पता लगाया जा सकता है। इनका मकसद केवल भारत की सुरक्षा करना होता है, फिर चाहे बात मरने की आए या फिर मारने की आए। यह वही भारतीय सेना है जो भारत के अंदर दुश्मनों का तो सफाया करती ही है, वहीं जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की सीमा में घुसकर दुश्मनों को तबाह भी करती है। पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, जिसे आज तक पाकिस्तान भूल भी नहीं पाया है। उसी भारतीय सेना को भारत सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा भी देने जा रही है। ये तोहफा उनकी बहादुरी का है। भारतीय सेनाओं में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल CAPF और आर्मी के बीच वर्दी भले ही अलग अलग हो, लेकिन खतरा दोनों के लिए एक बराबर रहता था, लेकिन अभी तक इनको मिलने वाले अलाउंस में काफी अंतर था और अलाउंस को बराबर किए जाने की कवायद अब की जा रही है। आपको बता दें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैं भारत का गृह मंत्री हुआ करता था तो उस वक्त CAPF का भत्ता बढ़ाया गया था, और आज मैं देश का रक्षा मंत्री हूं तो मैं भारतीय सेना का रिस्क और हार्डशिप भत्ता बढ़ाने का ऐलान करता हूं। वही मैं आपको बता दूं कि पुलवामा अटैक के बाद से ही CAPF के जवानों और अधिकारियों के लिए हार्ड रिस्क की कैटेगरी को बदला गया था, जो हार्डशिप के लिहाज से ऊपर की कैटेगरी थी, जिसकी वजह से तैनात जवानों और अधिकारियों का अलाउंस भी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ गया, जबकि भारतीय सेना के लिए वह पुरानी कैटेगरी में ही रहा। अभी फिलहाल सेना को दिए जाने वाले अलाउंस दो तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। R1H2 के जवानों के लिए 9700 रुपए और ऑफिसर्स के लिए 16900 है। वहीं R1H1 कैटेगरी में अलाउंस जवानों के लिए 17300 और ऑफिसर्स के लिए 25000 है। वहीं आपको बता दें, पुलवामा अटैक के बाद ही CAPF के जवानों का भत्ता बढ़ाया गया था, लेकिन LAC और LOC पर तैनात भारतीय सेना का भत्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, और तभी से ये प्रश्न उठ रहा था कि जब दोनों सेनाओं का रिस्क बराबर है तो भत्ते में फर्क क्यों है। ये भी कहा गया कि क्या अलग अलग रंग की वर्दी में खतरे भी अलग अलग हैं क्या। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना और CAPF को दिए जाने वाले हार्ड अलाउंस एक बराबर किए जाने की बात कही गई है। अब राजनाथ सिंह के इस ऐलान के बाद LAC और LOC पर तैनात भारतीय सेना की वेतन में भी इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने चीन बॉर्डर पर कई नई तैयारियों की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि चीन से लगती सीमाओं पर भारतीय सेना कुछ ऐसी तैयारियां करने जा रही है जिससे चीन की घुसपैठियों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ताकत भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव किया जाएगा। बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिसके चलते भारतीय सेना को कम समय में हथियारों की खेप पहुंचाई जाएगी, और साथ ही भारतीय सेना सीमा की निगरानी के लिए गश्त भी लगा सकती है। आपको याद दिला दे, पिछले साल जब बाराहोती में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी तो जिस एरिया में चीनी सेना घुसी थी वहां पर पहुंचने में भारतीय सेना को लगभग 4 घंटे लग गए थे, और जब तक भारतीय सेना वहां पर पहुंची तो चीनी सेना तोड़फोड़ करके निकल गई थी। अगर वहां पर भारतीय सेना सड़क के द्वारा पहुंचती तो वहीं पर चीनी सेना को पकड़ा जा सकता था। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चीन का नाम लेते हुए ये साफ कहा कि भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और अगर कोई भी हरकत की जाती है तो हम घुस कर मारेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट है किसी देश के रक्षा मंत्री की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि 1971 युद्ध के वीरों के सम्मान में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने 3000 शहीद जवानों को याद किया। दरअसल 1971 में पाकिस्तान की ओर से भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमले किए गए थे। रात का वक्त था और अंधेरे का पाकिस्तान की सेना ने फायदा उठाना चाहा। उस वक्त भारत में रात में जेट को उड़ाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान पर हमला बोला, और कई हजार किलोमीटर तक पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस गई और उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। यह युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला और इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान को आज भी खुद पर शर्मिंदा होने की याद दिलाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर लाकर उसके 93,000 सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया था, और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आजादी दिलाई थी। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को समाप्त करने के लिए इस युद्ध में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए थे। साथ ही पाकिस्तान
पाकिस्तान के 8,000 सैनिकों की मौत हुई थी। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश को आजादी मिली थी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इन वीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।